ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की अलग अलग पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का महाकुंभ है। आप सभी डेलीगेट्स अलग अलग पार्लियामेंट्स की कार्यशैली के अनुभवी हैं। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। फ्रेंड्स, भारत में ये फेस्टिव सीजन होता है। इन दिनों भारत भर में बहुत सारी फेस्टिव एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन G20 ने इस बार फेस्टिव सीजन के उत्साह को पूरे साल भर बनाए रखा है। हमने पूरे साल G20 के डेलीगेट्स को भारत के अलग अलग शहरों में होस्ट किया। इससे उन शहरों में फेस्टिविटी का माहौल बना रहा। इसके बाद भारत ने मून पर लैंड किया। इसने पूरे देश में सेलिब्रेशन को और बढ़ा दिया। फिर हमने यहां दिल्ली में ही एक सफल G20 समिट को होस्ट किया और अब यहां ये P20 समिट हो रही है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। साथियों, P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलीब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलीब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छद्वम संवदद्वम सम मनासि जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। हमारे यहां तब भी ग्राम सभाओं में डिबेट के माध्यम से गांवों से जुड़े फैसले होते थे। ग्रीक दूत मेगास्थनीज ने भी भारत में जब इस तरह की व्यवस्था को देखा था
तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के इस सिस्टम पर विस्तार से लिखा है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहां तमिलनाडु में 9th century का एक शिलालेख है। इसमें विलेज लेजिस्लेटिव्स के रूल्स और कोड्स का उल्लेख है और आपके लिए ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि 1200 साल पुराने उस शिलालेख पर यहां तक लिखा हुआ है कि किस मेंबर को किस कारण से किस परिस्थितियों में डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। ये 1200 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैं आपको अनुभव मंटपा के बारे में भी बताना चाहता हूं। मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में हमारे यहां अनुभव मंटपा की परंपरा रही है। इसमें भी डिबेट और डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था। अनुभव मंटपा में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग अपनी बात के लिए वहां आते थे। जगतगुरु बसवेश्वरा की ये देन आज भी भारत को गौरवान्वित करती है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।